संदीप दीक्षित के साथ कांग्रेस नेता उनके साथ मौजूद हैं। रंजीता, शीला दीक्षित ने लंबे वक्त तक दिल्ली की चुनावी सत्ता जो है वो संभाली और अब जाकर के तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है आतिशी के रूप में। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में क्योंकि लिप्त है, ऐसे में सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित आतिशी के नाम के ऐलान के बाद? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की राजनीति से सबसे बड़ी खबर यही है कि आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और हमारे साथ है कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे जिन्होंने 15 साल जो है वो मुख्यमंत्री की कमान संभाली। तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है, आतिशी के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं, क्या एक बड़ा पॉलिटिकल मूव आम आदमी पार्टी का? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सब कुछ चलाते हैं, बाकी कोई हो या ना हो। और दूसरा, हम तो बार बार कहते हैं कि साहब ये झूठ पे आधारित लूट की सरकार है। केजरीवाल मुख्यमंत्री हो या उनका कोई पिट्ठू हो, नीतियां वही चलनी है। वो इसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी, ना गड्ढे भरेंगे ना अस्पताल ठीक होंगे। तो देखिए, उम्मीद नए नेता से तब बनती है जब उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, उनकी कुछ राजनीतिक सोच होती है, उनका कुछ संघर्ष होता है, पार्टी में कुछ दम होता है। लेकिन जो पार्टी बिजनेस हाउस की तरह चले, उसमें CEO ये हो या CEO वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भले लोगों में इसमें कोई भी उत्साह हो, क्योंकि कोई भी इवेंट उत्साह देता है, मेरे हिसाब से ना इसमें दिल्ली को कोई फर्क पड़ने वाला है, या दिल्ली के विकास को कोई फर्क पड़ेगा। दिल्ली की राजनीति को कितना फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे हमने कहा वो एक आदमी की पार्टी है, वो सोल प्रोप्राइटरीशिप है, वो सोल प्रोप्राइटरीशिप चलेगी, बाकी बनाने को आप किसी को बना दो। उन्होंने ये देखा होगा कि ठीक है, ये लॉयल है, ये मेरी फाइलें नहीं खोलेगी, अधिकारियों को वही कहेगी जो हमने कहना है, पहले से ठीक करके रखा होगा। तो इनके यहाँ नया नेता बनाने का मापदंड उसके नेतृत्व की या काम करने की क्षमता नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कितना सुरक्षित रख सकें, उनके काले कारनामों पे किस तरीके से पर्दा डालकर रखें और ये कोशिश करें कि आने वाले केसों में कहीं गलती से जीता। यहाँ पर संदीप दीक्षित का ये मानना है कि बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उसका वो बहुत ज्यादा अर्थ यहाँ पर नहीं मान रहे। वापस हम आपके पास लौटेंगे। किरण, विधायक दल की नेता चुना गया आतिशी को और आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी देंगे एलजी से मिलकर, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में विधान दल का नेता चुना गया है आतिशी को, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी होने वाली है और इसी हफ्ते मुख्यमंत्री पद की शपथ भी वो ले सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, आतिशी जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। देखिए, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी होंगी। इससे पहले आपको बता दें, सुषमा स्वराज थी जो महिला मुख्यमंत्री रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से 3 बार शीला दीक्षित थी और अब आतिशी।